friends, welcome back. Bangladeshi lands in Karachi after India refuses entry for Bengali passenger at Mumbai airport. ये क्या न्यूज है भैया, हमें तो पता ही नहीं है कि बांग्लादेशी लैंड्स इन कराची, पर इंडिया ने मतलब उनको लैंड करना था पर, या मुंबई में उन्होंने कोशिश की कि हम लैंड करवा दें पर इंडिया ने मना कर दिया और फिर वो गए कराची और कराची में उतरे हैं. और उनको क्या इमरजेंसी हुई वो देखना पड़ेगा, क्या वजह थी, कि कोई एक पर्टिकुलर कोई बंदा था जिसकी वजह से, पैसेंजर की वजह से, या पूरी प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए उनको रोकना, कहीं पे रखना था कि भैया प्लेन में गड़बड़ हो गई है इसलिए रोके हम. चलो देखें न्यूज़ क्या है, पर हमने मना किया मुंबई के एयरपोर्ट पे तो नहीं करोगे लैंड, वो भी देखना है सुनना है कि क्या. सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट थी, सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट जो है जैसे दिख रहा है यहाँ पे हमें, सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट थी. अच्छा. जिसमें एक सिख बंदा था, मतलब सिख बीमार, SIC के बीमार बंदा था, बंगाली जो बोल रहा होगा कि मेरे को जल्दी से लैंड करना है, उन्होंने कहा नहीं आगे जाके पाकिस्तान आने वाला है वहाँ लैंड कर देना. मतलब वैसे नहीं ये पॉइंट भी है, सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं वो लोग तो पहले पाकिस्तान आता है, तो उसका मतलब सऊदी अरेबिया से आ रहा है बांग्लादेशी बंदा, और बांग्लादेशी बंदा जो है इंडिया क्रॉस करके बांग्लादेश जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी स्टार्टिंग में ही, तो वो था इंडिया में लैंड करा दो, तो उन्होंने नहीं तुम पाकिस्तान में ही लैंड तो फिर वापस मुड़ के गए प्लेन मुड़ के नहीं, मतलब तो सऊदी अरेबिया से आ रहा था, पास तो कर चुका होगा पाकिस्तान. नहीं मेरे को लग रहा है कि सऊदी अरेबिया से आ रहा होगा और उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई तो पाकिस्तान में लैंड करके वहां हो गया, जबकि वो कह रहा था कि इंडिया में लैंड करा दो, वहां से हो सकता है बस पकड़ के बांग्लादेश चले जाऊंगा. से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. तो भाई मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक जहाज को उतारने की इजाजत नहीं मिली. आग लगी है पड़ोसी देश पाकिस्तान को कि बांग्लादेश के जहाज को आखिर मुंबई के एयरपोर्ट पर क्यों उतारने नहीं दिया. बांग्लादेश से एक जहाज जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ जाने की कोशिश करता है, जब जहाज उड़ता है तो जहाज के अंदर जो है वो एक शकीबुल हसन बीमार पड़ जाता है, और शकीबुल हसन की बीमारी की वजह से जहाज को जो है लैंडिंग करना पड़ता है. तो पास में जब वो देखते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पास में होता है, दिखता है उन्हें ट्रैफिक से जो है राब्ता करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमको जहाज उतारना है मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट वाले बांग्लादेश के जहाज को अलाउ नहीं करते उतारने के लिए. उसके बाद जहाज जो है दोबारा घूम जाता है, उतर जाता है कराची के एयरपोर्ट पे. अब कराची के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो है पाकिस्तान को मिल जाती है न्यूज कि देखें जब जहाज उड़ता है ढाका से और वो जाता है सऊदी अरबिया, लेकिन रस्ते में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है जिसपे मुंबई एयरपोर्ट्स मना कर देता है. देखें हर देश के हर एयरपोर्ट्स के हर जगह के अपने कानून होते हैं, तो मुंबई के साथ ही कराची जहाज को पाकिस्तान में उतारा जाता है तो पाकिस्तान वाले मीडिया बुलाकर उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं. आप सुनिए इस वीडियो को जरा गौर से कि भारत के दहशतगर्दी, यानी कि भारत का दहशतगर्द दिमाग, यानी कि जहाज को लैंड करने नहीं दिया, भारत दहशतगर्द हो गया. अजमल कसाब जो है वो मुंबई में आके उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, वो दहशतगर्दी नहीं थी. पुलवामा में अटैक होता है, वो दहशतगर्दी नहीं थी. बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता है, ट्रोल करता है, क्रिकेट में गालियां देता है, हंसता है, सामने टीम को सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता है, वो दहशतगर्दी नहीं है. लेकिन अगर हिंदुस्तान ने एक बांग्लादेशी को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी, ये दहशतगर्दी हो गई. हाँ, मुंबई या हिंदुस्तान तब दहशतगर्द नहीं होता जब ये पाकिस्तान के मुल्लों को जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतारो. भाई बांग्लादेश के मुल्लों को उतारो, पाकिस्तान के मुल्लों को उतारो, आ जाओ भाई, अब एक और अजमल कसाब जो है उस रूप में घुस जाओ और कर दो हमला भाई, और मार दो जितनों को मार सकते हो, एक बार फिर ताज होटल को दोहराओ, एक बार फिर जो है मारो लोगों को, फिर जो है तुम बोलोगे नहीं भाई ये हमारी तरफ से नहीं था. लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जब हिंदुस्तान मना कर देता है
वो हो जाती है दहशतगर्दी, लेकिन ये लोग जो करते हैं वो दहशतगर्द। चलो दहशतगर्दी की बात साइड पे रखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान को बुरी तरीके से ट्रोल और गालियां देते हैं, तो भाई क्यों उतारे जहाज जब आप खुद हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो, आपका देश आपके लोग हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं और पता नहीं क्या गोबर खाने वाले बोलते हैं, पेशाब पीने वाला बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हिंदू बोलते हैं, काफिर बोलते हैं, तो फिर काफिर की जरूरत क्या उनके एयरपोर्ट पर उतरने की? मर जाओ, मिट जाओ, शहीद हो जाओ, मुर्दार हो जाओ, मत उतरो एयरपोर्ट पे। और अगर उतरना है तो जाके कराची के एयरपोर्ट पे उतरो, दो काले टट्टे आपस में बैठ के भाई भाई क्या हो गया वो ट्रीटमेंट कर लेगा आपकी। आप हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे उतरने की जरूरत क्या है मेरे भाई, जब आप खुद हिंदुस्तान से नफरत करते हो लेकिन एयरपोर्ट हिंदुस्तान का यूज करोगे, हॉस्पिटल हिंदुस्तान का यूज करोगे, डॉक्टर हिंदुस्तान का यूज करोगे, ये मामला नहीं चलेगा। इंसान के बच्चे बनोगे, इंसानियत के साथ पेश आओगे, एक देश को देश का जो है नजर से देखोगे, तो तब तुम लोगों को इंसानों की नजर से देखा जाएगा। आप देखें पूरा बांग्लादेश क्रिकेट जब वर्ल्ड कप चलता है तो वो हिंदुस्तान काफिर गोबर और कैसे खुश हो रहे थे जब हम हारे, बीजेपी और साथ में वो अंडबख्त है या अंडा बख्त है, मेरे को तो पता ही नहीं होता क्या है, अंडा बख्त जो है वो भी नारे लगाते, लेकिन इस टाइम पर दोनों देशों में हमारा एरोप्लेन जो है मुंबई पे अलाउ क्यों नहीं किया गया उतारने के लिए? अरे जाओ भाई अपना काम करो, ज्यादा जो है दिमाग खराब मत करो। बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान ने, मुंबई वालों ने, मुंबई जो है एयरपोर्ट कंट्रोल जो है मैनेजर है जो भी है ऑफिसर है, मैं सलूट करता हूं कि भाई इस काले टट्टे को तो उतरने नहीं दिया मुंबई एयरपोर्ट पे, बहुत जबरदस्त किया, वेल डन, गुड जॉब, अफगानिस्तान की तरफ से फुल सपोर्ट भाई। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये सही किया है मुंबई एयरपोर्ट वालों ने या फिर गलत किया है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जिस वजह से हमने मना किया होगा तो बहुत ही कोई वैलिड रीजन होगा, या तो उसकी इतनी सीरियस कंडीशन नहीं होगी कि इमरजेंसी में इमीडिएटली लैंड करना हो, या हो सकता है कि भाई इतनी वहां पे फ्लाइट है, मुंबई इज द बिजिएस्ट वन ऑफ वन, कि उस उनको उतारने में इतना टाइम लग जाता, उससे बेटर है कि भैया तुम कराची में जाके जो है पेशेंट को दिखा लो, इस वजह से भी हो सकता है। और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि उनको शक होगा कि ये कोई जो है रीजन जो दे रहे हैं इतना वैलिड नहीं है, और इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से या पॉलिसी के हिसाब से उनको लगा होगा कि इसको नहीं करना, जो भी है हम तो अपना देश को सपोर्ट करेंगे। और ये बांग्लादेश का एयरप्लेन नहीं था, लिखा हुआ था सऊदी का प्लेन लग रहा था, बांग्लादेश से चला प्लेन जा रहा है, उसको कुछ तबीयत खराब हो गई, वो ना वापस आना चाहता, वापस बांग्लादेश चले जाता, मैं बांग्लादेश इसलिए नहीं गया क्योंकि काफी आगे तक मुंबई तक पहुंचेगा, मुंबई के साथ ही कराची है, तो नहीं बोला होगा यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा लैंड करने के लिए, बहुत ट्रैफिक है, तो मैं हाई ब्लड प्रेशर लिखा था, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है आप साथ में कराची में उतर जाइए, ठीक है। और वैसे भी तुम लोग, तुमको जब इंडिया हारता है वर्ल्ड कप में तो तुम्हें खुशियां मनानी होती हैं, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया इंडिया तुम्हारे टाइम ऑफ नीड में तुम्हें हेल्प करेगा? वो तुम हिस्ट्री भूल गए कि यही वो भारत था जिसने आके तुमको आजादी में हेल्प की थी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि साथ में कराची है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई हैं लोग जो जिनको पता है, हिस्ट्री पता है, वो हैं कई बांग्लादेश में रहने वाले जिनको पता है कि भाई इंडिया ने हेल्प किया, तो उन्हें वो मानते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, पर दुख की बात है कि मेजॉरिटी जो अब जनरेशन आ रही है वो उनका दिमाग खराब कर दिया गया, रेडिकलाइज्ड वो हो गए हैं। और जब बात कर रहे थे ना अंधभक्त की, भैया हमसे पूछो, हमें तो रोज कोई ना कोई कमेंट आ जाता है अंधभक्त का, तो मैं तो आजकल पता है क्या रिप्लाई करती हूँ, मैं तो अब कहती हूँ प्राउड अंधभक्त। अरे अंधभक्त होना ही बहुत प्राउड है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी काम करें, अगर तुमको देश को आगे बढ़ाना है तो भैया वो बहुत जरूरी है कि मोदी जी ही आए, कोई यार आया तो देश को खा जाएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि अभी जितने भी पॉलिटिशियंस अवेलेबल हैं उनमें से मोदी जी बेस्ट इज द बेस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पॉलिटिशियन सबसे बढ़िया होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती, नहीं, गलती इंसान है, सबके सब इंसान है। पॉइंट ये है कि अभी के लिए जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें मोदी जी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंट्री। और साथ में अगर उनका देखो अभी तक अपने टाइम में जब से बने हुए पीएम, उन्होंने कितना कुछ कर दिया है जो इतने सालों में 70 साल के अंदर ही नहीं हुआ था, वो उन्होंने अपने टाइम में कर दिया। जितना प्राउड और इंडिया को टॉप प्लेस पे लेके आए हैं कि हर बड़ा लीडर आके इस तरह से मिलता है, इतनी इम्पोर्टेंस देता है भारत को, अरे कोई किसी
किसी भी इंडियन का जो है ना छाती चौड़ी हो जाती है प्राउडनेस से, राइट। और दूसरा हमें पता है पॉलिटिशियन होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए, मगर आप चूज कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट जो अभी मोदी जी हैं। सबसे अच्छा काम जिसने किया है वो मोदी जी ही हैं। तो चलो यार, अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।